मैं आपका अपना यस अभी जो भी वीडियो लेके आए, ये ऐसी भर्ती को लेके आए हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चलता है। और पता भी चलता है तब पता चलता है जब उनके आस पड़ोस से कोई जॉब लग जाता है यार, फिर वो सोचते हैं यार हमें उन्हें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए था तो हमें जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो भी दोस्त मेरे, काफ़ी दोस्त मेरे को फ़ोन नंबर वगैरह के लिए बोलते हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यश बड़ौदा के नाम से, यश बड़ौदा के नाम से है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। और फेसबुक पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और आपका अगर कोई भी जेन्युइन पॉइंट होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कमेंट के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो अभी हम भर्ती पे लौटते हैं। तो ये भर्ती निकली है पशुपालन विभाग में, हिसार में रीजनल फूड स्टेशन है, यहाँ पे निकली है। और ये परमानेंट भर्ती है, कोई दोस्त सोचे भाई ये टेम्परेरी टेम्परेरी बेस नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। आप संपर्क भी कर सकते हो, ये आपको मेल वगैरह दे रखी है। अभी मैं वैकेंसीज के बारे में बात करता हूँ। ये 16 को तो ये नोटिस डिपार्टमेंट से जारी हुआ था, और जो नोटिफिकेशन आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 27/1/2024 से लेके 5/2/2024 का जो नोटिफिकेशन है अखबार का, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, वहाँ पे इसमें ये भर्ती निकली हुई है, आप देख लेना। तो ये फार्म अटेंडेंट कम लेबर की ये भर्ती है, और पे ग्रेड देख लेना 18,000 इसकी बेसिक रहने वाली है। तो मतलब आप मान के चलो 25 से 27 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और 10 पोस्ट है, UR की 4 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है, और SC की 3 पोस्ट है। तो ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, ये हिसार में है, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है हिसार का रीजनल फूड स्टेशन हिसार, पूरी ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और इसमें एज दे रखी है 18 से 27 साल फ्रेश कैंडिडेट के लिए, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल तक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है 10th पास, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है किसी भी कृषि फार्म वगैरह में आपने काम किया तो उसके लिए। तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से बनवा भी सकते हो कहीं से भी। और काफ़ी दोस्त ये प्रोबेशन पीरियड के बारे में सोचते हैं, 2 साल का क्या, हम 2 साल बाद निकाल दिए जाएंगे कच्चे हैं वगैरह, ये नहीं है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सभी में होता है, जो भी सिविल भर्ती आती है सभी में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको परमानेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, NPS के अंदर आती है, पेंशन वगैरह नहीं है, लेकिन NPS के अंदर आपका जो भी बाकी एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ही सेम ही है, जो हरियाणा में ग्रुप डी के जो कन है ऐसी सेम ही है। तो ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, टेम्परेरी नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल देना। प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें 2 साल तक प्रोबेशन में रखा जाता है, अगर आप बिल्कुल सही हो तो आपको परमानेंट बिल्कुल कर दिया जाता है, नहीं तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाता है, नहीं कि आपको निकाला जाता, निकाला नहीं जाता, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो ये कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ देख लेना, और उम्र में छूट आपको गवर्नमेंट के जो भी SC ST है उनको छूट मिलने वाली है, वो अपनी उस हिसाब से। और सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपकी एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन जाने के बाद आपको शॉर्ट आउट किया जाएगा, हो सकता है आपको मतलब उस हिसाब से बुलाया जाए परसेंटेज के हिसाब से। फिर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर स्किल टेस्ट में तो कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, बाकी आपका जो मेन होगा वो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये रिटर्न बेस पे होने वाला है, तो आप ये ध्यान देना, अपना रिटर्न की तैयारी कर लेना। तो यही है मैन, तो और आपको जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए अलग से दे रखा है। और आपको क्या फॉर्म भर के, मैं फॉर्म अभी आपको वीडियो लास्ट में दिखा दूंगा, वो फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पे भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना, चाहे आप डायरेक्टर रीजनल फूड स्टेशन पोस्ट ऑफिस टेक्सटाइल मिल्स हिसार 125001 हरियाणा, तो यहाँ पे आपको भेजना है। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 26/2/2024, 26/2/2024 तक आप भेज देना आप अपना जो भी पोस्ट ऑफिस से। और आप संपर्क भी कर सकते हो इनकी मेल वगैरह एड्रेस, और मैं प्रोफॉर्मा दिखा देता हूँ कैसा फॉर्म आपको भर के भेजना है। ये ऐसा फॉर्म निकलवा लेना, और ये फॉर्म आपको मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके ये ले सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है अपनी, यहाँ पे अपने नाम लिखना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ,
नेशनलिटी, रिलीजन, कास्ट, और अपना एड्रेस लिख देना जो आपका एड्रेस, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, और आप मेल, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर सही लिखना जो चालू स्थिति में, ताकि वो आपको बुला सके डॉक्यूमेंट के लिए, बाकी के लिए। तो यही मेन प्रोसेस रहने वाला है। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप अपना जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह आप हमारे को फॉलो कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।